छोटा सा हूँ लेकिन हुक्म तेरा या रब मेरे लिए भी है, मेरे लिए भी है। मैं भी रोजे रखूंगा या अल्लाह। भाइयों कैसे हैं? ठीक है। आज हम ईद की तैयारी कर रहे हैं, ईद के लिए सवैया बना रहे हैं, और ये हमारे महफूज अपना मुजाहिद भाई हैं फ्रॉम कराची। बस बेसिकली ये एबटाबाद के हैं लेकिन रहते कराची में हैं रिहाइश पज़ीर, और आज इनसे पूछते हैं ये क्या बना रहे हैं ईद के लिए सुबह। अस्सलाम वालेकुम मुजाहिद भाई, कैसे हैं? ठीक है, बस अल्लाह करम ठीक ठाक। अच्छा आप क्या बना रहे हैं? सेवैया बना रहा हूँ दूध वाली। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देख लें दूध वाली सेवैया बना रहे हैं। इन्होंने पहले पानी डाला है फिर सेवैया डाली हैं, अभी ये दूध डालने लगे हैं। तो देखें, हम देखते हैं कैसे बनाएंगे, क्या क्या डालते रहेंगे। ये आप कितना डालेंगे? आधा पूरा डब्बा, पूरा डब्बा डाल रहे हैं। देखें, और इस तरह से कभी आपने भी बनानी हो सेवैया तो इस तरह बनाए। चीनी डाल रहे हैं आधा कप, चाय का कप, और इस तरह से आपने भी डालना है। पहले उन्होंने दूध डाला है पूरा डब्बा, एक लीटर का था ना वो डब्बा, एक लीटर का डब्बा, और ये चीनी मिक्स हो गई। तो वैसे पिछले साल भी इन्होंने बनाई थी, बहुत ही टेस्टी बनाई थी, बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं ये। और आज सुबह देखेंगे हम इंशाल्लाह कैसी सेवैया बनती है। इसको अच्छा, ये कितना टाइम लग जाता है इसको बनाने? 20 मिनट लग जाते हैं। इसके बाद आप दम देंगे या क्या करेंगे? अच्छा पका के छोड़ देंगे, फ्रिज में रखेंगे या वैसे ओपन? अच्छा ये कह रहे हैं कि ओपन ही रखेंगे इसको, फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एसी यहाँ यूएई में एसी है तो एसी के नीचे ये रख देंगे फुल नाइट, और सुबह इंशाल्लाह 5 बजे तक हम इसे टेस्ट करेंगे, अच्छी हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। तो ये देखें इस तरह से आप ईद की नमाज़ पढ़ने जाएंगे जी, ईद की नमाज़ से पहले ये बोल रहे हैं खा के जाएंगे इंशाल्लाह। और ये क्या है अभी? चाय भी बनाएंगे, किशमिश। अच्छा किशमिश, हाँ किशमिश भी डालेंगे। ठीक है गाइस, ये देख लें किशमिश भी डाली है उन्होंने, तो ये अभी डालने लगे हैं किशमिश। ये किशमिश आ गई, पूरा आधा पैक डाला है उन्होंने, और आप भी इसी तरह डाल सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छा कलर हो रहा है इसका। और इसको एक और बात है गाइस के, इसको लाजमी चम्मच के साथ मिलाते रहना है, दूध को नीचे और सेवैयों को नीचे लगने नहीं देना, तो ये भी आप याद रखें। तो क्योंकि अगर आप चम्मच इसमें नहीं मारेंगे तो ये नीचे लग जाएगी, जल जाएगी, खाने का मज़ा और टेस्ट भी नहीं बाकी रहता। तो इस वजह से ये देखें ये अभी हिलाते रहेंगे चम्मच को, और इससे टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा, किशमिश भी मिक्स हो रही है और चीनी भी मिक्स हो रही है, दूध सेवैयों के साथ भी मिक्स हो रहा है। देखें ये जैसे मैंने देखा है तैयार हो गई है, क्योंकि सेवैयों का इतनी देर नहीं लगती, तैयार हो जाती हैं। अभी ये अभी दम देंगे क्या करना है? दम देंगे 10 मिनट तक, और उसके बाद ये रेडी हो जाएंगी। और ये हमारी ईद के ब्रेकफास्ट है, और साथ क्या होगा सुबह? ब्रेड होगी, ब्रेड होगी, ब्रेड ऑमलेट होगा, और चाय हो जाएगी, खुबस ब्राउन खुबस इन्होंने लाए आज, तो वो हम इंशाल्लाह टेस्ट करेंगे। तो गाइस आप भी ऐसे ट्राई करके देख लें सेवैया, आपकी तो पाकिस्तान में तो ईद कल परसों है, कल आखिरी रोज़ है, होप के आपके रोज़े अच्छे गुजरे होंगे। तो मेरे तो मुंह में अभी पानी आ गया है ये सेवैयों को देख के, क्या करें, चलें क्या करें अभी, लेकिन फिर भी हम टेस्ट करेंगे इंशाल्लाह सुबह। तो गाइस बस ये हमारे एक और भाई गोश्त काटने लगे हुए हैं, थोड़ा सा आपको इनकी झलक बता देता हूँ। देखें आप कहाँ से हैं भाई? सवाद से भाई हैं ये, और ये देखें ये गोश्त काट रहे हैं। ये मटन है, बीफ है, बड़ा है छोटा?
کلیجی نہیں نہیں گوشت کون سا ہے؟ گوشت. اچھا یہ بڑا ہے چھوٹا؟ اچھا بڑا. یہ کلیجی بھی بڑے گی ہے؟ اچھا کلیجی بھی بڑے گی. اور یہ ان شاء اللہ کل بنائیں گے. آج ابالیں گے اس کو کیا کریں گے؟ اچھا آج کٹ کر رہے ہیں اور ریڈی کر رہے ہیں کیونکہ کل ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوگا, مہمان بھی ہوں گے اور عید بھی ہے, تو اس وجہ سے یہ ابھی سے ریڈی کر کے رکھ دیں گے. ان شاء اللہ صبح صبح یہ ابالیں گے نا پہلے, یا ڈائریکٹ پکائیں گے؟ اچھا گھی کے ساتھ یہ فرائی کریں گے اس طرح سے, نمکین. ہاں وہ تو پٹھان کا مشہور ہے نا نمکین. نمکین کا بہت ٹیسٹ ہوتا ہے گائز, آپ بھی ٹرائی کریں. اور یہ نمک منڈی پشاور میں ہے, بہت ہی مزہ آتا ہے. میں نے ایک دفعہ کھائی تھی وہاں, لیکن بہت ہی زبردست ہے نمک منڈی. تو آپ کوکنگ کر سکتے ہیں؟ کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو کوکنگ کرتے ہیں؟ 2-3 سال. اوہ گائز دیکھ لیں, 2-3 سال سے کوکنگ کرتے آئے. پردیس کا ایک فائدہ تو ہو جاتا ہے, ایک بندہ کوکنگ سیکھ جاتا ہے. تو چلیں ہم دیکھیں گے کل کیسا بنائیں گے. اگر میں یہاں ہوا تو ان کی مووی بنا لوں گا, نہ ہوا تو پھر گائز نیکسٹ ٹائم. تو یہ ہم سویوں کی طرف آتے ہیں, دیکھیں بس ریڈی ہو گئی ہیں. یہ دیکھیں بوائل بھی, ابالی بھی آ گئی ہے, اور بس تھوڑی دیر تک یہ ریڈی ہو جائے گی. اور اس کو ابھی بل آ کے وائر ہو گئی ہے, تو بس یہ ابھی بند کر دیں. بند کر دیں گے بس, ہو گئی ہے. یہ دیکھ لیں, ایسی ریسیپی آپ بھی ٹرائی کریں. ہاں جی 15 منٹ سے زیادہ نہیں لگتے. اور مجھے بتائیے, ہمارے جو ہیں یہاں کے بڑے شیف ہیں, اور جو بھی چیزیں بناتے ہیں یہ بناتے ہیں زیادہ, اور ان کے ہاتھ کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا ہوتا ہے. اور چلے گائز, اللہ حافظ. ہیپی عید ٹو ایوری ون. اوکے ٹیک کیئر, بائے. السلام علیکم. کیسے ہیں گائز؟ ٹھیک ہیں. اچھا یہ ابھی سوئیاں بن گئی ہیں, آپ دیکھیں صبح کا ٹائم ہے. ابھی میں اسے ٹیسٹ کرنے جا رہا ہوں, چیک کرتے ہیں کیسی بنی ہے. کافی اچھی بنی ہے, اچھا ٹیسٹ ہے, اور چینی بھی ٹھیک ہے, اینڈ بہت ہی ٹیسٹی ہے. تو آپ بھی ٹرائی کیجیے گا گھر میں, اور سب کو میری طرف سے عید مبارک دے. اور ابھی ہم نماز پڑھنے جائیں گے, 5:50 پہ نماز ہوگی. اوکے سی یو گائز, ٹیک کیئر.